गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समास। पहला टॉपिक हमने पढ़ाया था संधि, अब है समास। समास किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। समास, समास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, संक्षिप्त करना, संक्षिप्त यानी छोटा करना। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। शब्द है शब्दांशों के मेल से बनने वाला समस्त पद समास कहलाता है। यानी जो शब्द और शब्दांश के मेल से नया पद बनता है या समस्त पद जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे विद्या का सागर, अब एक पद हो गया विद्या, एक हो गया का, एक हो गया सागर, समस्त पद क्या बन जाएगा, विद्या सागर। कमल रूपी नयन, एक पद है कमल, दूसरा है रूपी और तीसरा है नयन, तो समस्त पद क्या बन जाएगा, कमल नयन। लंबा है उधर जिसका वह गणेश, अब ये कितने पद है देखिए, लंबा है उधर जिसका वह गणेश, तो ये सारा पद, नया पद जो बना वो क्या गया, लंबोदर। आप पर बीती, आप बीती और बीच में पर जो है वो योजक शब्द है, आप बीती। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। मन से घड़ंत, मन घड़ंत। अब समास के मुख्य कितने भेद हैं, चार भेद हैं। समास के कितने भेद हैं, चार भेद प्रचलित हैं समास के। कौन कौन से हैं, अब समास के जो आज तक आपने भेद पढ़े होंगे, छह भेद पढ़ाए होंगे, लेकिन मुख्य जो भेद हैं चार ही भेद हैं। जो दो भेद जो हम पढ़ते हैं, द्वंद्व और द्विगु, वो क्या है, द्विगु समास और कर्मधारय समास जो है वो तत्पुरुष समास के भेद आते हैं। ठीक है, तो चार भेद हैं, अविभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। अविभाव समास पहला है हमारा। अविभाव समास किसे कहते हैं या अविभाव समास से आप क्या समझते हैं, देखिए भाई। अविभाव, अविभाव का अर्थ होता है अव्यय हो जाना। अविभाव का क्या अर्थ है, अव्यय हो जाना, यानी समस्त पद अव्यय बन जाता है, वहां अविभाव समास होता है। इसकी डेफिनेशन क्लियर है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो और वही पद प्रधान भी हो, तथा समस्त पद मिलकर क्रिया विशेषणाव्यय का बोध कराए, वहां अविभाव समास होता है। देखिए, हमने पहले बताया था अविभाव का अर्थ क्या है, अव्यय हो जाना, यानी जो पूरा पद है वो क्या है, अव्यय मिलेगा या उपसर्ग मिलेगा, और समस्त पद किसका बोध कराता है, क्रिया विशेषण अव्यय का, और पहला ही पद क्या है, प्रधान भी है। जैसे निर्विघ्न, एक शब्द है यहां निर, दूसरा है विघ्न, तो इसका विग्रह हो जाएगा विघ्नों से रहित, विघ्न यानी बाधा। आ मरण, एक शब्द है आ, दूसरा है मरण, इसका विग्रह हो जाएगा मृत्यु तक। आ जीवन, एक है आ, दूसरा है जीवन, जीवन भर। यथा शक्ति, यथा माने जैसे, शक्ति, शक्ति के जैसे या शक्ति के अनुसार। अनुरथ, अनु ये अव्यय है, इसका अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ होगा पीछे और रथ मीन्स रथ, रथ के पीछे। बेशक, बे माने बिना और शक माने संदेह के, या संदेह के बिना या बिना शक के। बाकायदा, कायदा मीनी कानून और कायदे के अनुसार, बा मीन्स अनुसार। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ। साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट। यथोचित, चित के अनुसार या जैसा उचित हो, ऐसा भी कह सकते हैं इसका, ठीक है। यथोचित माने जैसा उचित हो या चित के अनुसार। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष या एक एक वर्ष भी हम इसका विग्रह कर सकते हैं। भर पेट, पेट भरकर। प्रत्यक्ष, प्रति जमा अक्ष, अक्ष का मतलब होता है आंखों के, प्रति माने सामने, आंखों के सामने प्रत्यक्ष। और सह चक्र, सह का अर्थ होता है साथ, चक्र के साथ। अविभाव समास क्लियर। अब है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, इसमें कौन सा पद प्रधान था, पूर्व पद, इसमें कौन सा है, उत्तर पद, और समस्त पद के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी परसर्ग चिन्ह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे अभी तत्पुरुष समास में जो हमारे कारक हैं, आठ कारक हम पढ़ते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। लेकिन इनमें जो पहला कारक है कर्ता,
और लास्ट कारक जो है संबोधन, इन दो कारकों को छोड़ देते हैं, बाकी जो छह कारक बन गए उनके सबके कारक चिन्ह जहां जहां प्रयोग होते हैं वहां वो तत्पुरुष समास बन जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, ग्राम गत, ग्राम को गत। अब को क्या है? कर्म कारक का परसर चिन्ह है। जब इसका विग्रह करते हैं कर्म कारक का परसर चिन्ह प्रयोग हुआ, इसका मतलब यह कर्म तत्पुरुष समास है। शरणागत, शरण को आगत, यहां भी को है, कर्म तत्पुरुष का चिन्ह है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष समास है। अच्छा भाई, आगे हम चलते हैं। शरण प्राप्त, शरण को प्राप्त, अब को कारक का चिन्ह है कर्म कारक का, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष समास है। परलोक गमन, पर माने दूसरे को, लोक माने लोक को, गमन, परलोक को गमन, कर्म तत्पुरुष का भेद है इसलिए कर्म तत्पुरुष। अगला है कर्ण तत्पुरुष। हमने बताया तत्पुरुष की डेफिनेशन जो होती है वही अलग हैगी, बस यहाँ एक डेफिनेशन चेंज आ जाएगा, जहाँ कर्ण कारक के चिन्ह का लोप होता है वहाँ कर्ण तत्पुरुष है, ठीक है। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, रेखांकित, रेखा से अंकित, रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा, गुणयुक्त, गुण से युक्त, यानी क्रिया जहाँ संपन्न होती है। देखिए हाथ से लिखित, लिखाई का काम किससे हो रहा है? हाथ से। रेखांकित, रेखा किससे खींची गई है? अंकित की गई है, चिन्हित की गई है। रेल यात्रा, यात्रा किसके द्वारा की गई? रेल के द्वारा। गुणयुक्त, युक्त किससे है? गुणों से। तो यानी क्रिया संपन्न हो रही है वहाँ कौन सा कर्ण है? कर्ण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें दूसरा पद प्रदान हो और समस्त पद के बीच संप्रदान कारक के चिन्ह का लोप होता है वहाँ संप्रदान पुरुष समास होता है। जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च, खर्चा किसके लिए मिला था? रास्ते के लिए। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, आग्रह किसके लिए किया गया है? सत्य के लिए। देवालय, देवता के लिए आलय, आलय का मतलब होता है स्थान या घर। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, ठीक है। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान का मतलब होता है जहाँ अलग होना, से अलग इसका चिन्ह होता है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी पहले कर्जदार था, आज उसने अपना कर्जा चुका दिया तो वो मुक्त हो गया। धनहीन, धन से हीन, यानी पहले धनवान था अब धन नष्ट है तो धनहीन हो गया। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी मार्ग से भटक जाना, अलग हो जाना। भयभीत, भय से भीत, यानी कि भय के कारण वो डर गया, इसलिए यहाँ अपादान तत्पुरुष है। अब कहोगे अपादान तत्पुरुष में भी वही चिन्ह है और कर्ण तत्पुरुष में वही चिन्ह है। मैंने बताया था कर्ण तत्पुरुष में क्या था? क्रिया संपन्न हो रही थी, और यहाँ क्या है? अलग हो रही है, एक दूसरे से अलग होने का बोध है। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में भी वही डेफिनेशन रहेगी, दूसरा पद प्रधान होगा और बीच में संबंध कारक के चिन्ह का लोप होगा। जैसे राजमहल, राजा का महल, काके की रारे चिन्ह है ना इसका। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। माखन चोर, माखन का चोर। अब ध्यान रखना यहाँ माखन को चुराने वाला, यदि ये लिख दिया तो ये कौन सा समास बन जाएगा? यदि बहुब्री करना चाहें तो हम इसको श्री कृष्ण दे सकते हैं, बहुब्री बन जाएगा, और वैसे ये अलुक तत्पुरुष भी बन जाएगा। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति यानी स्वामी, ठीक है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक के चिन्ह का लोप और उत्तर पद प्रधान हो। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। नीति निपुण, नीति में निपुण। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आपके समास समझ में आ गए होंगे। तत्पुरुष समास के और भी भेद हैं, इसके अतिरिक्त क्या भेद हैं? पहला भेद है हमारा नैन तत्पुरुष। नैन का मतलब होता है अभाव या निषेध। जब किसी शब्द को हम अभाव या निषेध अर्थ दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं तो वहाँ नैन तत्पुरुष समास होता है, और इस समास को बनाने के लिए ए और अनुपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। बस ए और अन हटा करके नय का प्रयोग करते हैं तो विग्रह हो जाता है। जब अभाव या निषेधार्थ को व्यक्त करने के लिए व्यंजन से पूर्व ए या अन उपसर्ग लगाकर जो समास बनाया जाता है उसे हम नयन तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धर्म, धर्म के आगे क्या लगा दिया? ए, तो ये बन गया ए धर्म, और इसका विग्रह करेंगे तो ए की जगह क्या कर देंगे? नय, नय धर्म। आदि, आदि से पहले क्या लगा दिया? अन, अनादि। अब अन को हटाएंगे तो नय का प्रयोग करेंगे, नय आदि। अनजान, ने जान, यहाँ भी अन उपसर्ग है। अन्याय, ने न्याय, यहाँ भी ए उपसर्ग है, ठीक है। अगला है अलुक तत्पुरुष। अलुक का अर्थ होता है लोप न होना, यानी समस्त पद के बीच जब कोई भी पद लुप्त नहीं होता है वहाँ अलुक तत्पुरुष समास होता है, और यह जो समास है ये तत्सम शब्दों से बनता है, हमेशा संस्कृत के तत्सम शब्द इसमें प्रयोग होते हैं।
संस्कृत के कुछ नियमों के अनुसार कुछ ऐसे शब्द भी हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं जिनमें तत्पुरुष समास होते हुए भी दोनों पदों के बीच चिन्हों का कोई लोप नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अलुक का अर्थ पहले ही हमने बताया, लोप न होना। देखिए भाई, हमने पहले बताया था अलुक का अर्थ होता है लोप न होना, ठीक है, और अलुक तत्पुरुष समास बनते हैं। क्या है, जैसे इसमें हिंदी में भी ज्यों का त्यों लिखा जाता है, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय, ठीक है, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, वास्तव में मृत्युंजय एज इट इज लिखा जाता है मृत्युंजय, ठीक है। मन सिज, मन में सिज, सिज का मतलब होता है उत्पन्न, यानी जो मन में भावनाएं उत्पन्न होती है वो मन सिज। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, युद्ध है स्थिर। खेचर, खे का मतलब होता है आकाश, चर का अर्थ होता है विचरण करने वाला, खे और चर दोनों को अलग अलग कर देंगे, खेचर। वाचस्पति, वाच का मतलब वाणी और पति माने स्वामी, वाणी का पति या स्वामी। इस तरह से अलुक तत्पुरुष समास है। अगला है उपपद तत्पुरुष समास, जिस समास में दोनों पदों के बीच कोई भी पद लुप्त नहीं होता। वहां क्या बताया था हमने, वहां संस्कृत शब्द से बना है, लेकिन यहां भी क्या है, दो पद जरूर है लेकिन दोनों पदों के बीच कोई भी पद लुप्त नहीं होता है, वहां उपपद तत्पुरुष समास होता है। जैसे बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, पंचक्की, पवन से चलने वाली चक्की, रेलगाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। यहाँ देखना भाई, दही और बड़ा लिखेंगे तो ये द्वंद्व समास भी है, क्योंकि दोनों पद क्या हैं, प्रधान हैं। गोबर गणेश, गोबर से बना हुआ गणेश, और गोबर गणेश का यदि हम विशेष अर्थ लेंगे तो गोबर गणेश का मतलब होता है मूर्ख या अज्ञान, ठीक है, कहते हैं ना जो कम पढ़ा लिखा होता है या अज्ञानी होता है उसको कहते हैं आ गया गोबर गणेश, ठीक है। तो गोबर गणेश का यदि हम विशेष अर्थ ले लेंगे तो ये बहुव्रीहि समास भी बन जाएगा, ठीक है, इसको मूर्ख। लेकिन गोबर गणेश आपने देखा होगा, जब हम शास्त्रों की पूजा करते हैं तो पंडित जी एक मिट्टी का ढेला मंगाते हैं छोटा सा, और उसके ऊपर धागा लपेट देते हैं कच्चा सूत, तो कहते हैं गणेश जी को रचना करो, तो वो भी गोबर गणेश ही कहलाता है। तो विशेष अर्थ में जब लेते हैं तो वो बहुव्रीहि समास बन जाता है, ठीक है। अगला है पत्तों से बनी हुई कुटी माने कुटिया। अब पर्णकुटी क्या है, उपपद तत्पुरुष समास जरूर है, लेकिन पर्णकुटी यदि हम भगवान श्री राम के लिए प्रयोग करेंगे, अभी आपने रामायण देखी थी ना, रामायण में आया था पर्णकुटी में निवास करते थे श्री राम जब वन में रहे थे, तो वो पर्णकुटी जो थी, जो पड़ी हुई कुटी जहाँ श्री राम विनाश निवास करते थे और सीता निवास करती थी, यदि उसकी ओर संकेत किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ओके, तत्पुरुष समास क्लियर, यहाँ तक आपने तत्पुरुष के भेद पढ़े, बाकी हम अगली वीडियो में समझाएंगे।